कि सबसे अच्छी बॉन्डिंग आपके आपको क्या लगती है किसके साथ सबसे अच्छी बॉन्डिंग बनी आपकी? मेरी मुनावर, साइशा, अली, जिशान, सबके साथ, पूनम। तो मैं मुनावर से शुरुआत करूं। मुनावर और आपकी बॉन्डिंग काफी अच्छी लगी, लोगों को भी काफी अच्छा, उसमें हैशटैग्स बने, इफ यू डोंट नो हैशटैग बने, किस तरह से देखते हो? और मुनावर की कौन सी क्वालिटी आपको अच्छी, सबसे ज्यादा अच्छी लगी? हिज ब्रेन, कि जो वो जिस तरीके से चीज़ों को नाप तोल के बोलता है, उसको पता है कि उसको किस तरीके से अपने आप को प्रेजेंट करना है सामने वाले के सामने। तो उसकी ये क्वालिटी बहुत अच्छी है कि वो जितना बताना चाहता है वो उतना ही बताता है। सो दैट्स अ गुड थिंग। और आपकी ऐसी कोई दोस्ती घर पे जिससे आप बाहर आ चुके हो तो उनसे मिलना नहीं चाहोगे, कोई ऐसा कुछ नहीं है यार। देखो, ये कोई हेटरेट थोड़ी चल रहा है, सबसे मिलेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। और जब से आप बाहर आए हो, देयर इज वन थिंग कि पीपल वांट टू सी यू एंड मुनावर इन अ रियल। यार हम, मेरे को तो टाइम ही नहीं मिल पाया, मैं कल रात को ही बॉम्बे आई हूँ, सो मैं अपनी फैमिली के साथ थी, तो अब लेट्स सी, मिलते हैं। और मैंने आपके इंस्टाग्राम अकाउंट पे भी देखा, द काइंड ऑफ रिसेप्शन यू गॉट व्हेन यू वेंट टू योर होम टाउन, उसके बारे में किस तरह की फीलिंग हुई उस रिसेप्शन? बहुत एक प्राउड फीलिंग भी थी, और मेरे मम्मी पापा, मेरे फ्रेंड्स, मेरी फैमिली बहुत प्राउड थे, और वो बहुत खुश भी थे, और मैं उनको देखकर बहुत खुश हुई कि उन्होंने जिस तरीके से मेरा वेलकम किया। आई वॉज उस टाइम पे बिकॉज आई फील हो रहा कि थैंक यू वाहेगुरु जी, थैंक यू सो मच। आपको क्या लगता है कि क्या कुछ ऐसी बात कमी रह गई जो आपको थर्ड बनाए, एंड पायल को सेकंड एंड मुनावर को फर्स्ट बनाए? उन लोग में वैसी क्वालिटी थी जो आपके में नहीं थी? सी, देखो, हर कोई अपने हिसाब से अपना 100% देता है, शायद मेरी कोई कमी रही हो आगे आने वाले लाइफ के लिए। मेरे लिए सीख थी कि हाँ, मैं कहीं कुछ भी कमी ना छोड़ूं, जो मैंने कमियां यहाँ छोड़ी, मैं आगे आने वाली चीज़ों में, जो मैं करने वाली हूँ, जो भी होने वाला है, उसमें मैं कमी ना छोड़ूं। और मुनावर की मैं बात करूँ तो मुनावर ने एक ऐसा, बोलते ना, एक ऐसा रेपो अंदर लेके गए, उनके पहले के वीडियोस काफ़ी चर्चा में रहे थे, और अंदर आपने, आप सबसे ज़्यादा क्लोजली उनको देखे, तो डू यू थिंक कि वो बिहेव ऐसा कर रहे थे कि वो नेचुरल था? सी, मैं लॉकअप के बाद मुनावर से पर्सनली नहीं मिली हूँ, सो उसके बारे में मैं नहीं बता पाऊँगी, और जिस तरीके से वो अंदर लॉकअप में रहता था वो बिल्कुल नेचुरल था मेरे हिसाब से, बिकॉज मेरे को कभी ये चीज़ फील नहीं हुई कि वो फेक है। तो आई होप कि वो बाहर भी ऐसा ही हो। को पायल की मैं बात करूँ तो पायल का गेम आपको कैसा लगता था? ठीक था, अपनी जगह बढ़िया खेल रही थी लड़की, तभी यहाँ तक पहुँची। काफ़ी फैंस का ये भी कहना था कि पायल ही जीतनी चाहिए थी, मुनावर देर इज समथिंग दैट पायल नहीं जीती और मुनावर जीत गया। उसमें आपकी क्या पर्सनल फेवरेट आपका कौन था, मुनावर या ऑब्वियस मुनावर? पर फैंस अगर बोलते हैं कि पायल जीतनी चाहिए तो पायल को जिताया नहीं? नहीं, देखो, ऐसा कुछ नहीं होता है कि जिताया नहीं या कुछ, सब चीज़ें देखी जाती हैं ना, एक एक चीज़ मिलाकर हम अगर देखें तो मुनावर और पायल का गेम बहुत डिफरेंट था, दोनों के डिफरेंट वे थे चलने के, वो बहुत अलग चलती थी, मुनावर बहुत अलग चलता था, सो दोनों के हिसाब से मुनावर उनको बेस्ट लगा, तो इसलिए वो जीता, और उसमें वो क्वालिटी थी जीतने की।